हिंदुस्तान और चीन के अफसरान ने मशरकी लद्दाख में जारी तसादुम को खत्म करने के मामले पर 12 घंटे से ज्यादा बातचीत की। वज़ीरे दिफा की काला अफसर ने बताया कि हफ्ते को यूएनआई को बताया, दोनों ममालिक के अफसरान ने मशरकी लद्दाख में जारी तसादुम को खत्म करने के मसले पर जुमा को 12 घंटे से ज्यादा वक्त तक बातचीत की। सरकारी ज़रिए ने बताया कि कोर कमांडर सतह की बातचीत का 15वां दौर हिंदुस्तानी सरहद में वाक़े चशुल मोल्डो में हुआ है और बातचीत जुमा की सुबह 10:30 बजे शुरू हुई है और खत्म 11 बजे हुई है। इसी दौरान हिंदुस्तान ने गोगराहाट स्प्रिंग्स के इलाके में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर तसादुम को कम करने के लिए दबाव डाला और इसके बाद मशरक लद्दाख में कशीदगी को कम करने का मामला उठाया। काबिले जिक्र है कि वजा करदा उसूलों के मुताबिक मीडिया को बजाबता बयान जारी करने से पहले दफा सलामती और खारिजा अमूर के अहकाम के दरमियान बातचीत के नतज पर तबादला ख्याल किया जाता है।